हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राजे बीट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M11 में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M11। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। जैसे ही जाओगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ भी दोस्तों आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड करके ही रखा था, तो इसमें हमें रिसेंटली इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इंस्टॉल नाउ एंड शेड्यूल इंस्टॉल। आप एक बार इसमें डाउनलोड कर दीजिए, फिर आपको भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट, यानी कि हमारा फ़ोन जो है वो अपडेट की प्रोसेस में चला गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट लिखा हुआ है। अभी हमारा फ़ोन जो है वो बंद हो जाएगा, फिर अपने आप ही स्टार्ट होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शांति से वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, यानी कि ये थोड़ा लोड लेगा, फिर उसके बाद पूरा ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, यानी कि ये प्रोसेस 100% होने तक आपको वेट करना है। और दोस्तों, जिसको ये अपडेट नहीं मिला है वो भी शांति से वेट कीजिए, क्योंकि सेम डेट पे सबको अपडेट नहीं मिलता। और एक बात दोस्तों, कि जब भी आपका फ़ोन अपडेट हो तो आपको ये कोई भी कीज़ जो है वो प्रेस नहीं करनी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो प्रोसेस थी वो 100% हो चुकी है कंप्लीट, और ये वीडियो जो है मैं स्किप करके बना रहा हूँ ताकि वीडियोज़ जो है वो लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M11 लिखा हुआ है। नीचे की तरफ दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बाय एंड्रॉयड। अभी शायद और एक प्रोसेस लेगा, फिर हमारा मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फिर से सैमसंग की ब्रांडिंग आ चुकी है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फ़ोन इज़ अपडेटिंग। तो ये फ्रेंड्स 322 ऐप्स है यहाँ पे, ये भी लोड ले रही है, तो आपको शांति से वेट करना है। और ये 15-20 मिनट जितना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, तो आप शांति से वेट कीजिए, अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा मोबाइल। तो दोस्तों, फाइनली ऑप्टिमाइजिंग जो एप्स वाली प्रोसेस थी वो भी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, फिर हमारा मोबाइल जो है वो शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे 322 ऐप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, फाइनली हमारा मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी हमने इसमें जो न्यू वर्जन अपडेट किया वो वाला शो हो रहा है। आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर फोन हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, यानी कि हमारा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। और दोस्तों, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन ये भी अपने आप ही होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनली हमारा मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी हमने इसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया वो भी पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।